पहले 2 रुपए 13 पैसे यूनिट था, आज कितना है? 9 रुपए 86 पैसे। 400% बिजली ऊपर गई है। गैस 10 साल पहले यूनिट 150 रुपए यूनिट पे थी, आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। जब ये गैस और बिजली की कीमत बढ़ती है, आपके हाथ में पैसा कम हो जाता है, आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा है वो आधा रह जाता है। गैस, बिजली, खाद, उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूँ महरूख फहद कुरैशी। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई, लोगों ने कहा कि अब सुख का सांस आएगा, अब सुकून की नींद आएगी, क्योंकि वो टू पार्टी सिस्टम जो पाकिस्तान पर राज करता था, जिन्होंने महंगाई में बेतहाशा इजाफा किया और अवाम मुखालिफ इकदाम किए, वो अब इकदाम नहीं होंगे। आपने खुद भी सुना चंद दिन पहले इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब का, मैंने अभी एक शॉट भी आपको सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बिजली और गैस महंगी की गई। लेकिन फिर क्या हुआ? तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई और हमने देखा कि जैसे माजी की हुकूमतें करती थी वैसा ही हुआ, बिजली 2 रुपए महंगी कर दी गई और इसके साथ साथ दीगर भी चीज़ें और सूरत हाल आपके सामने हैं और अवाम हैरान और परेशान है। ये वही अवाम है जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया, अब वो तनकीद भी नहीं कर पा रहे खुलकर इमरान खान साहब के ऊपर, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ऊपर। वो कह रहे हैं जी वक्त दिया जाए, वक्त हम देने को तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, चंद चीज़ें जिस पर आज बात ज़रूर करेंगे। मुआशी पॉलिसी के इब्तदाई खदोखाल इस वक्त जो हमारे सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, हम देख रहे हैं कि एक जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद जब तनकीद होती है या उसके ऊपर बात की जाती है तो फिर मुशावरत या डेलिब्रेशन का अमल जो है वो शुरू होता है। मिसाल के तौर पर हम अगर गैस टैरिफ की बात कर लें, कहा गया जी इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी, उसके बाद एक बवाल उठा, मीडिया के अंदर शोर मचा, लोगों ने कहा कि ये कैसे आप आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल सकते हैं, ऑलरेडी आपने बिजली जो है वो महंगी की है, ठीक है पेट्रोल आपने 2 रुपये 70 जरूर कर दिया लेकिन बिजली आपने महंगी की है, आप ये बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें तहरीक-ए-इंसाफ के होमवर्क की कमी भी नज़र आई, उनकी प्लानिंग का फुकदान भी नज़र आया। हालांकि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो कि ये और बात है कि अपने दिन पहले दिन के क्याम से ही मुतनाज़े हो गई, लेकिन उसमें भी ये कहा गया लेड बाय वजीर खजाना असद उमर साहब के, जी आखिरी फैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। यानी आज तीसरा इजलास होता है इक्तसादी राबता कमेटी का और उसमें भी फैसला नहीं हो पाता है, फैसला मौखर हो जाता है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, सख्त मुआशी चैलेंजेस सामने खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं अदम फैसला साजी है, कहीं नाकिस फैसला साजी है, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अनफॉर्चुनेटली उठ रहा है। और इतनी बड़ी टीम, लेकिन फिर भी अगर फैसला इमरान खान साहब ने करना है तो क्या कहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इकदाम हैं जैसा कि मैंने कहा कि उसमें ये तासुर आ रहा है कि सारा बोझ जो है, यानी एक आसान हल ये निकाला गया है कि सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, चाहे वो बिजली की टैरिफ इंक्रीज हो या चाहे वो गैस की टैरिफ इंक्रीज हो। जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, जो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अब माहिरीन इस पर बटे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इकदाम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे और हम बहुत वेस्टेज करते हैं इन चीज़ों के इस्तेमाल में, ये पहले हो जाना चाहिए था लिहाजा वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी एकदम आपने आवाम के ऊपर बम फोड़ दिया, आप इसको फेज़ वाइज भी कर सकते थे, उससे एक अच्छा तासुर जाता और आवाम इस तरीके से परेशानी का शिकार नहीं होते। इसी तरीके से टैक्सेस के अंदर इजाफा किया जा रहा है, ये मैं आपको एक बिजली के बिल की तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ नाज़रीन। इस बिजली के बिल के अंदर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जो एक्चुअल बिजली यूज़ हो रही है, जो उसकी एनर्जी की कॉस्ट है वो उसको छोड़िए, लेकिन आगे जनरल सेल्स टैक्स लगा हुआ है 1,27,665 रुपये का, इनकम टैक्स लगा हुआ है 1,12,645 रुपये का, एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है 37,548 रुपये का, फर्दर टैक्स लगा हुआ है 22,529 रुपये का। ये जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये एक्चुअली ये इस्तलाहें हैं जिनके नीचे ये अमाउंट हैं और ये एक्चुअल बिल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ डिटेल्स ऑब्वियसली इसमें ओमिट करके। इतने टैक्सेस देने के बावजूद भी फर्दर टैक्सेस का बोझ इसी आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये जो इमरान खान साहब की तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुआशी पॉलिसी है, उसके जो इब्तदाई खदोखाल हमारे सामने आ रहे हैं, इसकी रोशनी में क्या वाकई हम जो हमारी डूबती हुई मईशत उसको पार लगा पाएंगे, नंबर वन। और नंबर टू, हम जरा ये भी बात करेंगे, ये जो कहा जा रहा है कि जी रवायती तरीकों से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच इख्तियार की जाएगी, मिसाल के तौर पर पनीर और इस किस्म की दीगर महंगी अशिया जो है कह रहे हैं उनकी इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जिससे 2 अरब रुपए का एकदम से पाकिस्तानी खजाने को जो है वो फ़ायदा होगा। इज़ दैट ट्रू?
ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन पर ज़रा बात करेंगे। मैं अपने पैनल से आपका तारुफ कराती चलूँ। आप ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारुख सलीम साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, एंकर पर्सन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सोहेल भट्टी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन, एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल आपकी आमद का। डॉक्टर वकार मसूद, फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस, मेरे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और खुर्रम हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, डॉन ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, इकॉनमी के हवाले से लिखते रहते हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगु का बाकायदा आगाज करेंगे अपने पैनल से। मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर्स रात होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा अंदर की खबरें होती हैं, तो सोहेल से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। सोहेल सुबह अपना एक जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं, इस हवाले से अंदर की काफ़ी खबरें आप लेकर भी आते हैं। सोहेल, क्या वजह है, फैसला साजी क्यों नहीं यहाँ पर हमें हो पा रही है? कहीं नाकस फैसला साजी है तरीके इंसाफ के एंड के ऊपर, कहीं अदम फैसला साजी है? ऐलान कर दिया जाता है, फिर बैक ट्रैक, यू टर्न, मुशावरत, डेलिब्रेशन। इक्तिसादी राबता कमेटी का आज तीसरा इजलास हुआ, गैस टैरिफ्स के हवाले से कोई भी फाइनलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रही है, क्या वजह देखते हैं इसकी? मरो देखिए, जिन मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक उनके जो फैसला साजी के अंदर तखीर का जो सामने है, मुख्तलिफ वजूहात है। लेकिन अगर हम बात करें इक्तिसादी लिहाज से, हम बात करें कि उसके ऊपर जिन मुश्किलात का सामने और तखीर हो रही है, पहली बात यह कि माजी की हुकूमतों के बिल्कुल ऐन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जब वो उन्हें पता था कि वो पुरजोश थे पाकिस्तानी अवाम को लीड करने के लिए और इख्तदार संभालने के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि फिंगर टिप्स पे उनकी चार बड़े जो मसाइल हैं उसके अंदर सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान का है, उससे कैसे निपटना है। उसके अंदर सारे मसाइल थे, गदशी कर्जा, गैस चोरी, बिजली चोरी, गैस प्राइस, सब कुछ कहीं वर्किंग नहीं थी। इनफैक्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ये है कि लास्ट फोर ईयर्स के दौरान PMLN की गवर्नमेंट ने, वो एक्सपीरियंस लोग थे, टैक्टिस थे, शायद पॉलिटिक्स के अंदर चलते ऐसे हैं, उन्होंने चार साल के दौरान गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया, आर्टिफिशियली गैस के प्राइसिंग को एक लेवल के ऊपर मेंटेन रखा, गैस की पैदावारी कीमत बढ़ती रही, नए मंसूबे बनते रहे, लेकिन उन्हें कहा जी कि ओगरा मंजूरी भी देता रहा और ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई, ओगरा ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की गई। जब ओगरा किसी भी टैरिफ की ईयरली बेसिस के ऊपर डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है, वो फैसला फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बाउंड हो जाता है कि विद इन 40 डेज आपने डिसाइड करना है। 20 हर साल की 20 मई को उन्होंने फैसला करना होता है। 40 दिन का ओगरा ऑर्डिनेंस के अंदर टाइम मेंशन है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ओगरा को एडवाइस करनी है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको, इजाफा मत पास ऑन करें, ये हम सब्सिडी नहीं दे रहे, नोटिफाई कर दें। चार साल कानून के खिलाफ वर्जी की, ये हुकूमत सब्सिडी देती रही, नहीं सब्सिडी, एग्जैक्टली पॉइंट ये है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, गैस टैरिफ में इजाफा नहीं करने दिया, ओगरा ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी की गई, गैस कंपनीज को वहां पर जो उनके ब्लू वाइट MDs मौजूद थे उन्होंने भी खामोशी इख्तियार किया, उनसे कहा कि अब जाइए बैंकों से बोरिंग कर लें, कर्ज ले लें, एक साल कर्ज लिया, अगले साल दोबारा उसको टैरिफ का हिस्सा बना दिया, फिर कर्ज लिया, चार साल ऐसे काम चला। अब सुई नॉर्दर्न सदर्न को 254 अरब रुपए की जरूरत है उस डेट ट्रैप से निकलने के लिए जो उन्होंने चार साल के अंदर अपने मामलात को चलाया, नए मंसूबे शुरू किए। अब उनको पास बैंकों को रीपेमेंट करने का पैसा नहीं है, अगर आप गैस में टैरिफ में इजाफा नहीं करते दोनों कंपनियां बैंक डिफॉल्ट कर हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, वो तनख्वाहें नहीं दे पाएंगी, आपका चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। ठीक फैसला है, मैं दूसरी दफा आ रहा हूँ, ये फैसला इमरान खान साहब ने फैसला करना है, दुरुस्त या गलत क्या है, एक तो ये रियलिटी है कि ये इजाफा हर सूरत होना है, कंपनीज को ये पैसा चाहिए। चार साल किस तरह से रुका रहा कर्जा लेकर, अब वो अप्रोच बैंकों से कर्जा लेते रहे, अब बैंकों को मार्कअप के साथ रीपेमेंट होनी है, नए प्रोजेक्ट, नई पाइपलाइने बिछी, मरी के अंदर नई गैस पाइपलाइने बिछी, मुल्क भर के अंदर नया पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा कर्ज लेकर, तो इजाफा तो बहुत ज्यादा है। ये जो कह रहे हैं कि 46% किया जाएगा, यानी इसका मतलब जो हमारा एवरेज बिल है कंज्यूमर का वो 186% जो है वो ऊपर चला जाएगा टैरिफ का। अच्छा, वो उसके टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट कंज्यूमर के डिफरेंट स्लैब्स हैं, डोमेस्टिक के 3 स्लैब्स हैं, लेकिन बोझ तो कंज्यूमर पे आ रहा है ना इवेंचुअली। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स, क्या इसका अल्टरनेटिव नहीं था? देखिए हाँ, नहीं, अब इसके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, 254 बिलियन कंपनीज को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, या आप टैरिफ में इजाफा करें या फेडरल गवर्नमेंट कौमी खजाने से आप PSDP पे कट लगाएं या बोरिंग करें, जो करें, गैस कंपनीज को नॉर्दर्न सदर्न को आपको 254 रुपए पे करना पड़ेंगे, ये इसको सब्सिडी आप कहेंगे, ठीक है, या तो आप ये अदायगी कर दें, गवर्नमेंट वो सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, ओके। या आप वो सब्सिडी दें या उनको आप अलाउ करेंगे ठीक है आप इस टैरिफ को नोटिफाई कर दें, गैस महंगी कर दें, रिकवरी कर दें, फिर आम आदमी किस तरीके से मुतासर होते हैं, आपके इंडस्ट्री किस तरह मुतासर होती है, वो अलग डिबेट होगी। लेकिन फैसला क्यों नहीं ले पा रहे फारूक साहब?
मारुख, अगस्त की 18 तारीख को हल्फ उठाया वजीर आजम ने, अभी चार हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए, चार हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए हैं और आप लोग शुरू हो गए हैं कि फैसला साजी कहाँ नहीं हो रही। फैसला साजी कफायतशारी के हवाले से हो चुकी, जो उनकी ज़ात का ताल्लुक था, जो 20 अरब रुपए की स्वाब दीदी फंड बांटे जा रहे थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, जो ये जो 30 अरब रुपया बांटा जाता था एमएनएस के पास वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इमरान खान साहब की ज़ात के साथ जो स्वाब दीदी इख्तियार थे वो तो 54 अरब रुपये की आपको यहाँ पर बचत होने लगी है साल भर की, ठीक है। अभी चार हफ्ते मुकम्मल नहीं हुए, चार कैबिनेट की मीटिंग्स हो चुकी हैं। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि पहले चार हफ्तों में किसी हुकूमत ने चार कैबिनेट की मीटिंग की हो। कोई 16 के करीब टास्क फोर्सेस क्रिएट कर दी गई हैं आपके ऊपर, तालीम के ऊपर टास्क फोर्स है, फाटा मर्जर के ऊपर टास्क फोर्स है, लूटे हुए पैसे को वापस लाने वाले के ऊपर टास्क फोर्स, कुछ 16-17 ऐसी टास्क फोर्स क्रिएट कर दी गई। अब मुझे अब चार हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप कॉन्टेक्स्ट में रखें इसको, आप 1947 से लेके सन 2008 तक पूरे पाकिस्तान ने 6000 अरब रुपए का कर्जा उठाया था। जो दो अदवार गुजरे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक पीएमएलएन का, हम पहुंचे हैं 6000 से 30000 अरब पे, यानी कि जो 61 सालों में हमने कर्जा नहीं उठाया था 10 सालों में उसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। अब वो सारा बोझ पड़ रहा है ये नई हुकूमत के ऊपर, 1200 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा, ये कैद है जो चोरी का बाजार गर्म रहा है पिछले 10 साल, वो सारा बोझ तो अब यहाँ पड़ रहा है और वो पड़ेगा तो कंज्यूमर के ऊपर ना। अब बिजली का बिल है, अगर ये गर्दशी कर्जा है ये इंडिया के कंज्यूमर्स को तो नहीं दे सकते, ये आपको और मुझे ही बिल आएगा, किसी हुकूमत ने तो इसका खसारा पूरा करना है। गैस की चोरी की बात की, अभी सुई नॉर्दर्न और सुई सदन के हेड्स ने आके जो प्रेजेंटेशन दी है वो कह रहे हैं कि 370 अरब रुपए का एक नया गर्दशी कर्जा खड़ा हुआ है जिसका हमें पहले पता ही नहीं था, ये गैस सेक्टर के अंदर कर्जा खड़ा हो गया। इतनी ज़्यादा चोरी हो रही है, यानी कि आप 100 यूनिट बिजली के बनाते हैं उसमें से 25 चोरी हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई कारखाना जो 100 यूनिट बनाए उसमें से 25 चोरी हो जाए वो चल सकता है? गैस का ये हाल है जो हमें पता ही नहीं था, 2001 में 7% गैस चोरी हुआ करती थी इस मुल्क में, आज वो 20% हो रही। 1 बिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस पर डे इज बिंग स्टोलन, चोरी हो रही है रोज की, ठीक है। 1 अरब रुपया रोज की बिजली चोरी हो रही है, 1 अरब रुपया रोज की गैस चोरी हो रही है और अब हुकूमत आई है जो 10 साल चोर बाजारी। तो आप ये कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली कि हम उनको जज करें, अभी उनका हनीमून पीरियड है, जितना कुछ उन्होंने किया है, ठीक है, लेस देन 3 वीक्स के अंदर ये बहुत कुछ है, ठीक है। गोली आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, डॉक्टर सब ये कह रहे हैं। हाँ सही बात है। अच्छा डॉक्टर वकार मसूद साहब, खुश आमदीद आपको कहते हैं सर, फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं। डॉक्टर साहब अब ये चीजें हैं ना सर, लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नर हाउसेस में रहने ना रहने का फैसला, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना ना करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल करना ना करना, ये सारे जैसे अभी कुछ रेफरेंस डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी दिया, ये बड़े कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, ये ऑप्टिक्स के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन जहां बात आती है हकीकी फैसला साजी की गर्दशी कर्जों के हवाले से या इक्तसादी उमूर के हवाले से, वहां फैसले मौखर हुए जा रहे हैं जिससे तासुर ये जा रहा है कि अदम प्लानिंग है, तासुर ये जा रहा है कि होमवर्क नहीं है। अगर बिजली के टैरिफ और गैस के टैरिफ इंक्रीज करना ही सोल्यूशन था तो फिर ये इक्तसादी जो आपने मुशावरती काउंसिल बनाई है ये किस काम की है, ये कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो क्यों सजेस्ट नहीं कर पाए हैं, और चूंकि तब्दीली के अलम बरदार हुकूमत है लिहाजा इनसे तवक्कुआत जो है वो माजी की हुकूमतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लोगों को बेचैनी हो रही है, उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता हैं और वो देख रहे हैं कि चीजों में ताखीर हो रही है। लेकिन जैसा अभी फारूक साहब ने भी कहा है कि देखिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो विरासत में मिले हैं और थोड़ा सा वक्त हमें जो है देना चाहिए हुकूमत को ताकि अपनी ये जो भी कुछ ये बात दुरुस्त होगी कि वो तैयारी की सतह नहीं रही है जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में तो अब इन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है और बड़े फैसले करने वाले हैं, वक्त लगेगा। अब देखिए मुश्किल फैसलों की नौइयत, अभी सोहेल भट्टी साहब ने बड़ा मुतासिर हुआ जिस तरीके से इन्होंने वजाहत की है कि ये गैस ही की प्राइस का मसला देख लें आप कि एकदम से 46%, और ये इन्हें बताना भी चाहिए कि देखिए जनाब ये माजी के अंदर इन फैसलों को मौखर करते रहे हैं और हमारे लिए छोड़ दिया, और मैं समझता हूं कि इन्हें भी कोई राह निकालनी चाहिए कि बजाय इसके कि इतना बड़ा झटका लगे और लोगों के ऊपर इतना बोझ डाला जाए, इसमें किसी किस्म की कोई स्ट्रक्चरिंग करें जिससे कि ये
हों और कुछ मुद्दे के ऊपर जो है इसको कर लिया जाए। ये बात बताना भूलिए कि 300 अरब रुपए के तो एरियर्स क्यों है, वो इन चार सालों के जो है ओगरा ने अवार्ड किए हैं जो एज यानी एरियर्स के तौर के ऊपर जो है बिल्स में कीमतें बढ़ने के बाद आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से ये चाहिए ये जो सर्कुलर डेट है उसकी सभी निकाले। देखिए, जब तक के जैसा भी आप यहाँ किसी ने ये बात भी कही आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन वगैरह, ये तो इतनी सारी डिस्कोर्स वगैरह हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं चल सकते, आप इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाना होगा। आज मैंने पढ़ा है कहीं कि शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह का कोई चीज करने का इरादा रखते हैं, बहुत जल्दी करें क्योंकि जैसा अभी फर्रुख साहब भी बता रहे थे कि 1 बिलियन रुपए रोजाना का जो है वो पावर सेक्टर के अंदर लॉस है, तो उसको भी जो है प्लग करना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब बातों से ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मेरे ख्याल में नंबर वन प्रॉब्लम है और हुकूमत को इसने ताखीर कर दी है। अब तक जो भी इन्हें IMF से प्रोग्राम के मुतालिक फैसला करना था वो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मार्केट को ये नहीं मालूम होगा कि जनाब अब जो है एक बहुत नज्म जब्त का मामला चलेगा, प्रोग्राम बन रहा जी, है साबित सेक्रेटरी साहब, मुझे मुझे सर मुझे मुझे बताइएगा क्या जाना चाहिए IMF के पास, क्योंकि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका तो कोई रुकन भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुत्तफिक नहीं है कि IMF के पास जाया जाए। मैं आपसे बताऊं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, कोई इस तरह की करारदाद वहां पर मंजूर नहीं हुई है, कोई किसी ने इजहार ख्याल किया होगा, बहुत बड़ा फोरम है और उसका ये एडवाइजरी काउंसिल का ये आपके साथ बैठे हुए फर्रुख सलीम साहब ये जानते हैं एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, उसके अंदर कोई फैसले इस तरह से, वो तो एक मशावरती चीज है और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कहीं ये मना किया। और मैं तो लिख रहा हूँ अभी हाल में मैंने फर्रुख साहब को सुना कहीं और, उन्होंने भी ये मशवरा दिया है कि ये चीज इस वक्त संभलेगी नहीं जब तक के फंड का, देखिए माजी के अंदर अगर हम जब फंड में गए हैं तो मारुख इससे कहीं कमतर दर्जे के हालात खराब थे, आज तो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये तो इतनी ताखीर हो गई है पहले ही और अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम कि भाई इनका जहन साफ है फंड के प्रोग्राम में या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आए मैं जाने में अगर जाना है पार्लियामेंट को ऑनबोर्ड लेना तो देर नहीं करनी चाहिए। भर कैप जी डिस्कशन को जरा आगे भी लेकर जाएंगे और अगेन मैं जरा वापस आऊंगी, मैं पूछना चाहूंगी ये जो इतने टैक्सेस हम ऑलरेडी पे कर रहे इसका क्या, इसके हवाले से कटौती होनी चाहिए और ऐसे बहुत सारे इकदाम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तब्दीली की अलमबरदार जमात करेगी और थोड़ा हमें सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सोहेल ने हमें बता दिया कि कड़वी गोली खानी पड़ेगी, कितनी कड़वी होगी मजीद गोली इस पर बात करेंगे, वक्त पास आती रहेगी। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे खुर्रम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद है जी, ओके उनको हम थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं। फारूक सलीम साहब आपकी जाने बात हैं, सो अभी तक हमारा डिस्कशन जो है वो यहाँ तक पहुँचा कि हम बहुत जल्दबाजी ना करें, कुछ वक्त दें हम तरीके इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी खबरें भी हमारे सामने सुनने में आते हैं, मिसाल के तौर पर अभी एक खबर ये है हमें सुनने में मिली है कि जी 1 लाख टन मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र जो है जिसके ऊपर प्रोवाइड की जा रही है अराउंड 6.5 बिलियन रुपीज़ की गैस सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, यह फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर गैस की सब्सिडी दी जा रही है, एक तरफ आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ जो बड़े जॉइंट्स हैं दे स्टिल गेट टू बेनिफिट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है ना सिर्फ बिजली के सेक्टर में बल्कि गैस के सेक्टर के अंदर भी, और इसको कहते हैं टैरिफ रैशनलाइजेशन कि आपने किस से कितना नर्ख गैस का इस्तेमाल गैस का जो है वो चार्ज करना है। हमारे यहाँ बहुत हैवी सब्सिडीज़ दी जाती हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर को, और सब्सिडी मैं समझता हूँ कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है सारिफ है उसको भी सब्सिडी दी जा रही, फिर हम जो कतर से गैस ले रहे हैं आप अंदाजा कीजिए वो 12 डॉलर की आ रही है, जो पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिले हैं उनको हम 1100 रुपये की यूनिट दे रहे हैं, जो सिंध में हैं उनको 600 रुपये की यूनिट दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी विद इन द सेक्टर एक टैरिफ रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है कि कितना कितनी गैस आपके पास इस वक्त है, कितनी कीमत पे वो आ रही है, किस सेक्टर को आपने किस कीमत पे देना है। ये बहुत लंबा मामला है, अब
पिछले दस फारूक साहब आपको नहीं लगता कि ये चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होनी चाहिए थी, फेज वाइज होनी चाहिए थी? नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, महंगाई में इजाफा, PSDP के अंदर कटौती, ये सारे वो चीजें ठीक है जी, हमें मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारी आवाम की हालत देखें जिनके पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स नहीं है, हम बेसिक्स के लिए तरस लें, बिजली की लोड शेडिंग, ये सारे मसाइल बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा बेहतर हुए, कर्जों का हमारे ऊपर बोझ है, मतलब ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगे तो आम आदमी का भी तो सोचे ना आप। 10 साल में जो दो जमहूरी अदवार ने हाल किया है इस मुल्क का, अब उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? सर हम पे करेंगे क्या, जिन्होंने वोट देने के तरीके से आपको पाकिस्तान के लिए, आप ही ने वोट दिया था उन दो जमहूरी पार्टियों को और उनको हुकूमत करने का भी हक आपने दिया था, मैंने वोट उनको दिया था, वो आपके ऊपर हुकूमत करते हैं, तो रोक के रखा, इतने सारे नुकसान कर दिए, सियासी फायदे को देखते हुए चीजों को रोक के रखा, हम थोड़ा बर्दाश्त करते रहे, अब ये हुकूमत लेकर आए थे तो हमें तो नहीं पता था कि ये हो जाएगा। देखिए 4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था आज से 5 साल पहले, सही, आज वो 18 अरब पे पहुंच गया, $18 बिलियन का हमारा सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट, $38 बिलियन का हमारा तजारती खसारा है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतना हाई कभी तजारती खसारा नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को ये होल्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो पाकिस्तान का खजाना है उसको आप उस बर्तन की माने अगर समझ लें, बहुत सारे छेद हुए हैं। ठीक है, मुझे खुर्रम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है जी, किस तरफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट कॉलमिस्ट, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम हुसैन साहब, हम ये बातें कर रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि तरीके इंसाफ जो है वो बहुत सारे ऐलानात कर देती है, खासतौर पर इक्तिसादी उमूर के हवाले से, बाद में जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है तो फिर हम देखते हैं कि मुशावरत होती है, डेलिब्रेशन होती है, ऐसे मेजर्स जो ऑप्टिक्स के लिए किए जा रहे हैं उसके बरखिलाफ जो हकीकी मानों में चीजें करने वाली हैं उसके ऊपर अदम डिसीजन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ होमवर्क हमें देखने में आ रहा है, बट माय पैनलिस्ट आर सेइंग कि इट्स टू अर्ली कि हम तरीके इंसाफ को अभी से जज करना शुरू कर दें, अभी हमने उनको कोई टाइम नहीं दिया है। सर ये जो कड़वी गोली अवाम को तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में खानी पड़ रही है, जिसका हम कह रहे हैं कि शाखसाना साबका हुकूमतों के दौर में, क्या तरीके इंसाफ कुछ डिफरेंट कर सकती थी, क्या उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव थे कि ये बिजली पानी गैस ये सारी चीजें जिसका बोझ डायरेक्टली अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है इसके बरक्स अवाम को रिलीफ दिया जाता? अब देखिए ऑल्टरनेटिव क्या था ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज आप जरूर याद रख लें कि हर हुकूमत जो अपना करियर शुरू करती है पाकिस्तान में वो इन्हीं अल्फाजों से शुरू करती है जो अभी मैं सुन रहा था कि हमसे माजी में जो लोग आए हैं उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें अवाम को कड़वी गोली खिलानी पड़ेगी, हमारी फॉल्ट नहीं है, उनकी फॉल्ट है सारी। आप याद करें 2008 में जब PPP की गवर्नमेंट आई है वो 10 साल परवेज मुशर्रफ के जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको भी इसी तरह डिस्क्राइब कर रहे थे, तो हम लोग तो इसी सर्कल में राउंड एंड राउंड जा रहे हैं। अगर ये वाली हुकूमत हमें बता रही है कि हम तब्दीली लेके आएंगे तो उन्होंने इस सर्कल को तोड़ना है किसी तरह से, और तोड़ने के लिए ये काफी नहीं होगा कि आपने यहां से पैसे इकट्ठे कर दिए और वहां से पैसे इकट्ठे कर दिए, तोड़ने के लिए आपको रेवेन्यू बेस जो है वो एक्सपैंड करनी होगी, आपको एक्सपोर्ट्स की बेस को डाइवर्सिफाई करना होगा, आपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी लेवल्स को अपने कंपेटिटर्स के साथ जो कंपेयर जब की जाती है उसमें इजाफा लाना होगा। ये बहुत बड़े पॉलिसी चैलेंजेस हैं, ये इस तरह से नहीं हो जाएंगे कि मुझमें इतबार रखो और पैसे भेजो और चिनो चंदा इकट्ठा करके या एक मेगा प्रोजेक्ट बना के, कोई सिल्वर बुलेट इसके लिए नहीं है। आपने ठीक है खुर्रम साहब, डॉक्टर वकार साहब आपने अगर खुर्रम हुसैन साहब की बातें सुनी मैं चाहूंगी आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें कि क्या आपको लग रहा है गवर्नमेंट इज हेडेड इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ? हमें पता चला है कि जी जो महंगी अशियाँ हैं मोबाइल फोन, पनीर, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है वो 1 साल के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, हुकूमत जो है वो नवाज़ हुकूमत में इजाफी आमदनी वाले अफराद के लिए मुतारफ़ कराएगी, जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जुजवी तौर पर उसे भी वापस ले रही है ये भी जो है वो ज़ेर गौर है, इसके अलावा गैर मनकूला असासों पर वेल्थ टैक्स आयद किया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी 6,000 से ज्यादा अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा, do you think we're headed in the right direction? देखिए अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो गैर मुस्तंद खबरों के ऊपर तबसरा करना मेरे ख्याल में हमें इसे इज्तनाब करना चाहिए, और उसकी वजह बड़ी हद तक यही है कि हुकूमत की तरफ से एक वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया, और हुकूमत को चाहिए कि वो एक बहुत वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट दे, बताए कि उसकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, ये जो इतने अहम तरीन मसाइल मुल्क को दरपेश हैं उसका क्या उसमें मौकफ है और किस तरीके से उनका हल करने का इरादा रखती है, वरना इसी तरीके का ये उलझाव जहनों के अंदर जो है वो फैलता जाएगा, और बजाय इसके कि हम एक एक छोटी छोटी चीज, और ये खुद भी बड़ी हद तक इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि जब एक बात इधर या उधर इस तरीके की कर रहे हैं और एक
جامے اپنا موقف جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں ڈاکٹر صاحب اسی پر ذرا میں مزید بھی کامنٹ لیتی ہوں جو آپ نے بات کی نا اور جو سہیل جو خرم صاحب نے بھی بات کی ادھر سے پیسے لے لیے ادھر سے پیسے لے لیے اب ڈیم کے حوالے سے لوگ بڑا کرٹیسزم جو ہے وہ کریں گے 114 مطلب 1400 ارب روپے آپ کو چاہیے 116 سال چاہیے کچھ میتھس کریں اس طرح سے جیسے ابھی پیسے آ رہے ہیں ایک مہینے میں 1 ارب اکٹھا ہوا ہے 2 مہینے میں 2 ارب اکٹھے ہوئے تو 116 16 سال آپ کو چاہیے ٹرک کی بتی کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے حکومت اپنے سالڈ پلانس کے حوالے سے تجویزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر کرٹیسزم آتا ہے پھر پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آ پا رہی جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسے کیوں کیسے دیکھیں گے مارو دیکھیے معاملہ یہ ہے ہم سب لوگ پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ راتوں رات عمران خان سب کچھ معجزہ کریں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلے ایسا ممکن نہیں ہے ہم حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں بہت سنگین چیلنجز ہیں کنٹینر کے اوپر سے تو دودھ اور شہد کی نہروں والا پاکستان دکھایا گیا تھا یہی وجہ نا ایک امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں تمام خرابی کو اب ایک نئی عمارت تعمیر کرتے ہیں نا اس کو تعمیر کرنا آسان ہوتا ہے ایک عمارت کو ڈیمولش کرنے کے بعد دوبارہ سے اور وہ ہو بھی بڑی تاریک راستوں کے اندر وہاں تک اس کا مٹیریل پہنچانا اور ہائی رائز بلڈنگ کی تعمیر کرنا کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے وقت لگے گا چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہونے کا امکان موجود ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہماری خرابیاں موجود ہیں جہاں پہ جو بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں جہاں پر ہمارے اربوں روپے ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے ڈمپ ہو رہے ہیں ان کو ہمیں کوئی دن ضائع کیے بغیر ان کو روکنا چاہیے وہ اقدامات جو اسپیشلی ابھی آج انہوں نے کہا سرکاری زمینوں کے حوالے سے خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے یہ خان صاحب آپ کو مختلف چیزوں کی ڈائریکشن دے رہے ہیں جو میسو لیول کے اوپر جا کے انہوں نے ریفارمز کرنی ہے ہوں گی لیکن اس وقت ہم جو بنیادی عوام کے مسائل کی بات کر رہے تھے ہمارا پورا سسٹم تباہ ہو چکا ہے ملک کی بجائے لوگ انڈیویجولس کی اکانومی نے گرو کیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی بات کی آپ نے 1 سپٹمبر سے ہائی اسپیڈ ڈیزل جس کی سب سے زیادہ کنزمپشن ہے پاکستان کے اندر 6.37 روپے پر لیٹر ریکارڈ اس کی قیمت میں کمی کی گئی ریلیف عام آدمی کو نہیں ملا اس لیے کہ پروینشل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کسی نے پوچھا نہیں ٹرانسپورٹر سے جا کے کہ آپ نے کرایوں میں کمی کرنے تھے انٹر سٹی کرایہ جات میں کسی نے کمی کی نہیں کی چیزیں کرنے والی پورا سسٹم آپ کا تباہ ہوا ہے وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن بات ہوئی ہے جو اس وقت انیشل سٹیج کے اوپر جو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہی کوئی آسانی مشکل فیصلے عمران خان صاحب کو کرنے پڑیں گے آپٹکس کے لیے نہیں کھیلنا سخت فیصلے کرنے اور عوام کو کولی جو کڑوی گولی ہے اتنی کڑوی ہے کہ دیکھیں ہم سے بولا بھی نہیں جا کڑوی گولی کھانی پڑے گی میرے پینلسٹ کے اوپر متفق نظر آتے ہیں تاہم ایک لانگ ٹرم اپروچ کے خواہاں ہیں ہم سب خان صاحب سے ان کی پورینا سے اور خاص طور پر جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس سے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ